जर्मनी में एक महंगी स्पोर्ट्स कार के मालिक ने एक गधे पर मुकदमा कर जीत हासिल कर ली है। कार मालिक ने अपनी महंगी मैकलोरिन कार को पिछले साल सितंबर में बोगलेसबर्ग में एक अस्तबल के पास खड़ी की थी। जब वो वापस लौटे तो देखा कि किसी ने कार के पिछले हिस्से को चबाने की कोशिश की है। खोजबीन करने पर यह पता चला कि अस्तबल में वाइटस नाम के एक भूखे गधे का काम था, जिसने ऑरेंज कलर की कार को गलती से एक बड़ी गाजर समझ लिया था। इसके बाद ही कार के मालिक ने गधे पर मुकदमा दायर की और मामले में कोर्ट ने वाइटस के मालिक को $6,800 देने का आदेश दिया। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिन लोगों को हम ऊपर गधा नहीं बोल पाते, उनको यू आर डिफरेंट बोलकर मामला खत्म कर दिया जा सकता है।